ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश प्रोज में अंतिम लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो कि मिस्टर एल ए एल वासम के द्वारा लिखा गया है, का फर्स्ट पार्ट की डिटेल स्टडी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, राम मोहन राय हैड sounded the theme with his passionate advocacy of social reform. Vivekananda repeated it with a more nationalistic temper when he declared that the highest form of service of great mother was social reform, other great Indian, chief of whom Mahatma Gandhi, developed the theme of social service as a religious duty. And development continued under Gandhi's successors. पहला नाम आया राम मोहन राय, और ये बेटा राम मोहन राय कौन है? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय का नाम आते ही हमारे दिमाग में ये बात दौड़ पड़ती है कि ये तो वह महान देवता था जिसने हमारी माताओं को, हमारी नारियों को प्राचीन कालीन अंधविश्वासपूर्ण बुराई सती प्रथा से आजाद कर दिया। राजा राम मोहन राय जो बंगाल में पैदा हुए थे सन 1772 ईस्वी में, जिन्होंने समाज की सेवा करते हुए सन 1833 ईस्वी में अपनी अंतिम सांस ली। प्यारे बच्चों, या महान देवता किसी ईश्वर से कम नहीं था जो समाज की बुराइयों को नष्ट कर दिया, जो समाज को एक नई दिशा दे दिया, जो समाज को एक नए पैमाने के अनुसार जीने का नियम दे दिया। ये महान देवता वास्तव में एक पूजनीय था। तो अगर इनकी बात की जाए, हम अपनी प्राचीन संस्कृत की तरफ जाते हैं तो यही पाते हैं, वास्तव में बड़ी ही गर्वपूर्ण संस्कृत थी। हम उस पर गर्व करते थे, नाश करते थे, एक नज़ाकत थी। लेकिन जरा सोच के बताइए कि वह कौन सी संस्कृति थी जिस संस्कृत में पतियों के मरने के बाद पत्नी को पति के साथ चिता में जला करके खाक कर दिया जाता था, और दूसरी तरफ पत्नी के मरने के बाद पति दूसरा विवाह रचाता था। इट वॉज आवर ग्रेट एंशियंट कल्चर। आप हुम वी आर फुल ऑफ प्राउड। और इस बुराई को समाप्त करने वाले राजा राम मोहन को सत सत नमन करते हुए मैं आपको आपके लेसन की तरफ लेकर के चलता हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा, राम मोहन राय हैड साउंडेड माने आवाज उठाई, आवाज को बुलंदियों पर पहुंचाया, द थीम माने विषय का, विद हिज पैशनेट माने उन्माद भरे स्वरों में, शक्तिशाली स्वरों में, एडवोकेसी माने वकालत करते हुए आप सोशल रिफॉर्म समाज सुधार की, द चीफ ग्रेट इंडियन एंड सोशल रिफॉर्मर मिस्टर राजा राम मोहन राय है स्टार्टेड द मूवमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म विद हिज ग्रेट एडवोकेसी, विद द फुल ऑफ पावर, विद ए पैशनेट पावर,
एक शक्तिशाली उन्माद भरी शक्तियों के साथ राजा राम मोहन राय ने समाज सेवा का बीड़ा उठाया, समाज सेवा की वकालत की। ज्योतिंद्र जी का राजा राम मोहन राय है साउंडेड माने आवाज उठाई, आंदोलन प्रारंभ किया। द थीम माने विषय वस्तु, समाज सेवा की विषय वस्तु का विद हिज पैशनेट अपने उन्मादित एडवोकेसी वकालत के साथ आप सोशल रिफॉर्म समाज सेवा की अपनी शक्तिशाली उन्मादित तीव्र स्वरों में वकालत करते हुए समाज सेवा की आवाज़ को उठाया। भारतवासियों के कानों में समाज सेवा का मंत्र फूंका। आगे बढ़ें, विवेकानंद, अगर विवेकानंद की बात आती है तो एक ऐसे महान संत जिसका दर्शन ही हिंदुस्तान की एक एक कड़ी का वर्णन करता है, जिनके ऊपर उस संत के वस्त्र एक अद्भुत छवि में सुशोभित हुआ करते थे। इन्होंने रिपीटेड दोहरा दिया, इट माने इसे, अर्थात राजा राम मोहन राय की वकालत को, विथ ए मोर माने अत्यधिक नेशनलिस्टिक माने राष्ट्रीय टिम्बर माने स्वर में स्वामी विवेकानंद ने राजा राम मोहन राय की इस वकालत को राष्ट्रीय स्वर में दोहराया, एक राष्ट्रीय आवाज के रूप में दोहरा दिया। विवेकानंद का कहना था कि समाज सेवा करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, इट इज आवर नेशनल ड्यूटी टू डू द सोशल सर्विस। इट वॉज रिपीटेड बाय द ग्रेट इंडियन सेंट मिस्टर स्वामी विवेकानंद, हु हेल्प्ड मिस्टर राजा राम मोहन राय टू डू द ग्रेट सोशल सर्विस। वेल, जब ही डिक्लेयर्ड मीने स्पष्ट कर दिया, जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया, साफ साफ कह दिया दैट की द हाईएस्ट फॉर्म, उच्चतम अवस्था ऑफ सर्विस सेवा की, ऑफ ग्रेट मदर मीन्स भारत माँ की, वास्ती सोशल सर्विस, समाज सेवा। जब उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया कि भारत माँ की सबसे उच्चतम सेवा समाज सेवा है, तो क्लियर हुआ। स्वामी विवेकानंद हैज रिपीटेड द थीम ऑफ राजा राम मोहन राय एज ए ग्रेट नेशनलिस्टिक टिम्बर, नेशनलिस्टिक वॉइस, एंड ही डिक्लेयर्ड दैट द ग्रेट सर्विस ऑफ मदर इंडिया इज सोशल सर्विस, अदर ग्रेट इंडियन, तब बेटा अन्य महान भारतवासी, अदर ग्रेट इंडियन, अन्य महान भारतवासी, चीफ ऑफ होम उनमें से प्रमुख थे महात्मा गांधी, और उन महान भारतवासियों में से आपके सामने एक नाम आया जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। डेवलप्ड माने विकसित किए, द थीम माने विषय को, आप सोशल सर्विस, महात्मा गांधी जी ने समाज सेवा के विषय को विकसित किया एज ए रिलीजियस ड्यूटी, एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में। महात्मा गांधी जी ने कहा कि समाज की सेवा करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है। इट वॉज डिक्लेयर्ड बाई मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी दैट सोशल सर्विस इज आवर रिलीजियस ड्यूटी। भारत के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे और इन्हें धर्म में अथक विश्वास था, इसलिए महात्मा गांधी के
इस सुझाव को उन्होंने सहृदय स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि समाज सेवा ही हमारा धार्मिक कर्तव्य है। सोशल सर्विस इज आवर रिलीजियस ड्यूटी इज वॉट डिक्लेयर्ड बाई मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, वाज द चीफ इंडियन सोशल रिफॉर्मर। द डेवलपमेंट या विकास कंटिन्यूअस लगातार चलता रहा अंडर गांधी सक्सेस, अंडर अगुवाई में गांधी जी के सक्सेसर माने उत्तराधिकारी। बेटा ये विचार गांधी जी की अगुवाई में लगातार चलता रहा और आज के समाज को आप देखेंगे कि सारी बुराइयां समाप्त हो गई। चाहे आप सती प्रथा को ले लीजिए, चाहे आप जाति प्रथा को ले लीजिए, चाहे आप बाल विवाह को ले लीजिए, चाहे आप श्रेणीबद्धता धर्मवाद को ले लीजिए, आज आप पाएंगे कि हमारी बालिकाओं का विवाह अल्प आयु में नहीं हो रहा है, जाति प्रथा का बंधन एकदम समाप्त हो चुका है, लोग एक साथ खाना खा रहे हैं, एक साथ बातें कर रहे हैं, एक प्रकार के कपड़े पहन रहे हैं, एक प्रकार के मार्ग पर चल रहे हैं, बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, लोग ट्रेन और बसों में आपस में बेहद प्रेम के साथ एक दूसरे से कंधा रगड़ते हुए चल रहे हैं। ये सारी देन थी राजा राम मोहन राय की, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया, सहयोग किया आपके स्वामी विवेकानंद जी ने, महात्मा गांधी जी ने। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पर मैं समाप्त करूंगा और आगे अगले लेक्चर में हम लोग पुनः मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।